मैनपुरी में आधार कार्ड बनवाना या उसमें संशोधन कराना साक्षात भगवान के दर्शन पाने से भी कठिन हो गया है। दरअसल शासन ने हर सरकारी व गैर सरकारी काम के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया है। फर्जीवाड़ा ना हो सके इसके लिए पूरे जनपद के लोगों के लिए प्रधान डाकघर में एक काउंटर की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी व्यवस्था ने एक ऐसी कैंसर रूपी समस्या का रूप आख्यात कर लिया है मानो जिसका कोई इलाज ही ना हो। अगर आपको कल आधार कार्ड से संबंधित कोई कार्य कराना हो तो आज रात में ही टाट या चारपाई लेकर डाकघर के गेट पर सोना होगा। फिर आप बुजुर्ग हों, महिला हों या फिर बच्चा। थाना बिछवा के करीमगंज निवासी वृद्ध महिला विमला देवी का कहना है कि वह पिछले 3 रातों से अपने नाती का आधार कार्ड बनवाने के लिए डाकघर के गेट पर लेटी हुई हैं, लेकिन काम नहीं हो सका। अपनी जटिल समस्या के चलते मोदी व योगी सरकार को आए दिन कोसती नजर आती हैं। तमाम शिकायतों, सामाजिक संगठनों के प्रयास के बावजूद भी तुच्छ समस्या का हल नहीं निकाल सका जिला प्रशासन। जनपद के पुरुष तो धैर्यवान बनकर बैठे रहते हैं, लेकिन युवतियां व वृद्ध महिलाओं की दशा शर्मसार करने वाली दिखती है। अब जरा आप खुद ही वृद्ध महिला के दास्तां को इसी की जुबानी सुनिए। चलना बूढ़े तो कहाँ डरू है कुछ ना देखो ना दिखा तो लिखती क्या है डरी सब हमें नहीं जानते आज कब लगाओ कब लगाओ उन्हें कब कब लगाओ अम्मा ही के सही रहे या बड़ी बूढ़ी ना आधार कार्ड तो कहाँ नहीं लेते ये नाती को बनवाना है जाको हाँ नहीं को बनवाना है रात को सवाए जका संन्यास पर तो सवेरी बनी है तासु भाई 3 दिन हो गया भाई लला हमें बजे तो बजे दुखा मिल भाई 3 दिन वो नहीं डेली मजे के आ कल छुट्टी सो बताई नहीं कल फिर पहले जो कहीं का कागज ले आवा के स्कूल के तो हम कागज लेने गए थे कल ले आए तो कल मतलब जो कहीं तो छुट्टी है तो हम गए अब आज आए थे ऐसे कल ले तो ऐसे ही बैठे लेटे बड़े जा अच्छा कोई उम्मीद ना लगा पता।